सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। जहां एक तरफ यूपी में चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, तो प्रचार का दौर भी तेज होता जा रहा है। सभी पार्टियां छठे और सातवें चरण के लिए सियासी बिसाते बिछा रही हैं। कोई आरोप प्रत्यारोप के जरिए विपक्षी पार्टियों पर जुबानी वार कर रहे हैं, तो कोई बॉलीवुड स्टाइल में जनता का समर्थन मांग रहा है। वहीं अब चुनावी मैदान में प्रचार के लिए बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने अनोखे अंदाज में प्रत्याशी के लिए जनता का साथ मांगा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हेमा मालिनी का यह अनोखा अंदाज प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। चल कर लो, आपकी बसंती की इज्जत का सवाल है। यूपी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे फिल्म अभिनेत्री और भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने शोले का डायलॉग बोलकर वोट मांगा। चल फल्लो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। दया शंकर जी को जरूर जिताओ आप लोग। वह इस दौरान बलिया में बीजेपी उम्मीदवार दया शंकर के लिए हेमा मालिनी प्रचार करने पहुंची थी। हेमा मालिनी ने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग दया शंकर को इतने वोटों से जिताएं कि मुझे मुंबई में बैठे हुए पता चल जाए कि आप सब ने मेरा समर्थन किया है। कि आप दया शंकर को इतने वोटों से जिताए कि मुझे मुंबई में बैठे मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि आप सब ने मेरा समर्थन दिया है कि नहीं। आगे उन्होंने कहा कि आपकी बसंती एक छोटा सा डायलॉग कहेगी। चल धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। दया शंकर जी को जरूर जिताओ आप लोग। आपकी बसंती एक छोटा सा डायलॉग है। चल फन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। दया शंकर जी को जरूर जिताओ आप लोग। वहीं इस संबोधन में हेमा मालिनी इतने पर ही नहीं रुकी। एक तरफ जहां यूक्रेन और रूस के युद्ध ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं इस मामले को लेकर हेमा मालिनी भी पीछे कहां रहती। जनसभा को संबोधित करते हुए हेमा मालिनी ने कहा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री बीच में जाकर युद्ध को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे विश्व के नेता चाहते हैं कि मोदी जी आगे आकर कहें कि इस युद्ध को रोको और खत्म करो। पूरा विश्व हमारे प्रधानमंत्री को सम्मान दे रहा है। प्रधानमंत्री अपने लिए एक खास नाम भी बनाया है, उनको इतना मान सम्मान देता है पूरा विश्व। अभी भी आप देखिए यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री भाग लेकर उसमें उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए सब लोग विनती कर रहे हैं हमारे मोदी जी से, क्योंकि मोदी जी को बहुत बड़ा वर्ल्ड लीडर मानते हैं। आप सब लोग भी मानते होंगे, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। जहां एक तरफ हेमा मालिनी बॉलीवुड स्टाइल में प्रचार कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने रूस और यूक्रेन के मुद्दे को भी अब यूपी के चुनावों में घसीट दिया है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूस और यूक्रेन के घमासान को अन्य दल भी यूपी के चुनावों में मुद्दा बनाते हैं, या फिर जुबानी हमलों के जरिए ही जनता को साधने की कोशिश करते हैं। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजमानी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनावों में जहां एक ओर चुनावी जंग छिड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत बयानबाजी से भी हंगामा बरपा हुआ है। वहीं सपा के लिए वोट मांगने के लिए सियासी अखाड़े में उतरी डिंपल यादव के सीएम योगी के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट में। Thank you.
जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है। जो ज्यादा देर तक ना चले, लिखे, सब कुछ हो जंक उसको लगता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के गहमा गहमी के बीच पहली बार प्रचार के लिए उतरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सीधे सीएम योगी पर हमला किया। उन्होंने सीएम योगी के कपड़ों के रंग की तुलना लोहे पर लगे जंग से कर दी। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में, जंग का रंग क्या होता है? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी पे लाने का समय आ गया है। फिर क्या था, बीजेपी ने इस बयान को भुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा और केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल पर शुक्रवार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव को भगवान का अपमान करने के लिए संत समाज और यूपी की जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 350 सीटें जिताकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया है। चार चरणों में आपके अलावा आपकी पार्टी और परिवार से कोई और नजर नहीं आता। पांचवें चरण में अचानक से डिंपल जी प्रकट होती हैं और वो जंग लगी हुई बात करती है। इस पे मेरी दो बातें हैं। जो ज्यादा देर तक ना चले, दिखे, सब कुछ हो, जंग उसको लगता है। और पांचवें चरण में कौन प्रकट हुआ तो आपको पूछना चाहिए कि जंग किसको लगा था। और दूसरा, भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता से तो मांगनी ही चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 325 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बता दें कि डिंपल यादव द्वारा दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों को लेकर जंग वाले बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संतों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि भगवा पर टिप्पणी ऐसे लोग कर रहे हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं। सत्येंद्र दास वेदांती ने कहा, डिंपल यादव मुख्यमंत्री के कपड़े ही नहीं भारत की अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। सपा सुप्रीमो की पत्नी ने संतों के वस्त्र पर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति पर कटाक्ष करने का काम किया है। गौरतलब है कि इस बयान को लेकर डिंपल यादव अब चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। वहीं अब भगवा रंग के कपड़ों पर और सियासत होती है या फिर डिंपल यादव अपने विवादित बयान पर माफी मांगकर मामले को शांत करती हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। प्राइम टीवी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।